हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। तो आज मैं द रिकॉर्डिंग मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी 2020 में रिलीज़ हुई थी और ये मूवी 16th century पर बेस्ड है। और इस मूवी में उस समय हुए रियल इंसिडेंट को दिखाया गया है कि 16th century में इंग्लैंड में क्या क्या रिचुअल्स प्रैक्टिस किया जाते थे। उस समय इंग्लैंड में प्लेग भी फैला था और सभी लोग ये मान लेते हैं कि प्लेग कोई बीमारी नहीं बल्कि डेमन या किसी विच का किया कराया कोई ब्लैक मैजिक होगा। तो अब हमें देखना होगा कि मूवी में आगे क्या होने वाला है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है स्क्रीन पर दिखाया हुआ एक नोट से, जिसमें लिखा हुआ था कि 1665 में इंग्लैंड में प्लेग नामक बीमारी से हज़ार लोगों की जानें जा रही थी। यहाँ तक कि पूरे के पूरे घर भी तबाह हो रहे थे और डर की वजह से लोग ये कहने लगे थे कि सारा काम डेविल का है और वही सबको मार भी रहा है। यहाँ तक के लोग ये भी सोचने लगे थे कि डेविल ने यहाँ पर विचेस को भेजा है और इस कारण जिस भी औरत पर लोगों को शक होता था कि वो विच है और विचक्राफ्ट करती है, उस औरत को ज़बरदस्ती उसके घर से उठा लिया जाता था। उस औरत को इस हद तक टॉर्चर किया जाता था कि वो खुद ब खुद ये कबूल कर लेती थी कि वो विच है। अब खुद को विच मान लेने के बाद उस औरत को सरेआम जिंदा जला दिया जाता था। सीन कट होता है और अब सीन प्रेजेंट में आता है और हम एक ग्रेस नाम की खूबसूरत सी औरत को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा दुखी थी क्योंकि उसके हाथ में उसके पति का एक लेटर था क्योंकि उसने अपनी जान ले ली थी। फिर वो अपनी बच्ची एबी को प्यार करके घर के बाहर जाती है क्योंकि एक पेड़ से फांसी लगाकर जोसेफ ने अपनी जान ले ली थी, जिसके बाद में वो अपने पति को दफनाने के लिए एक गड्ढा खोदने लगी थी। सीन अगेन कट होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब ग्रेस अपने पति और अपने बच्चे के साथ में बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि वे लोग इस महामारी से काफ़ी ज़्यादा दूर थे और एक खुशहाल जीवन बिता रहे थे। जोसेफ घर चलाने के लिए खेती किया करता था और अनाज को शहर में ले जाकर बेचता था जिससे कि उनकी ज़रूरत के अनुसार उनके पैसे आ जाया करते थे। अब दो दिन पहले जोसेफ अनाज बेचने के लिए शहर जाने की तैयारी कर रहा था लेकिन ग्रेस इस बीमारी के चलते थोड़ी टेंशन में थी। लेकिन जोसेफ ने अगर अनाज बेच के पैसे नहीं कमाए तो उनका घर नहीं चल सकता था और इसीलिए जोसेफ अनाज बेचने के लिए शहर चला जाता है। अब अपना काम होने के बाद जोसेफ एक बार के अंदर शराब पीने के लिए जाता है और वहाँ पर उसका लैंडलॉर्ड स्क्वायर भी था। उससे बातें करते करते जोसेफ का एक ग्लास किसी और के ग्लास के साथ में एक्सचेंज हो जाता है जो कि किसी बीमारी से इन्फेक्टेड था। अब जोसेफ के देखते देखते वो इंसान खून की उल्टियाँ करने लगता है और वहीं पर मार जाता है। जोसेफ ने उसके कप से शराब पी थी जिस वजह से अब जोसेफ भी इन्फेक्टेड हो गया था। जोसेफ घर आता है और रात होते ही वो अपने आप को बीमार महसूस करने लगता है। उसे तेज़ बुखार आ रहा था और उसकी बॉडी पर रैशेज भी होने लगे थे। जोसेफ ग्रेस और एबी को अपने पास नहीं आने देना चाहता था क्योंकि अगर वो दोनों उसके पास में आती तो हो सकता था कि वो भी इन्फेक्टेड हो जाती। लेकिन ग्रेस बिना किसी देर करे हुए कुछ जड़ी बूटियाँ लेने के लिए जंगल की तरफ जाती है। जोसेफ उसके लौटने का वेट नहीं कर रहा था क्योंकि वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को इन्फेक्टेड नहीं होने देना चाहता था और इसीलिए वो वहीं पर सुसाइड कर लेता है। तो अब अगली सुबह स्क्वायर आकर ग्रेस को रेंट के लिए धमकाने लगता है और कहता है कि अगर उसने कल तक उसका घर का रेंट पे नहीं किया तो उसे घर खाली करना होगा। फिर रात के समय ग्रेस फिर से पुरानी यादों में खो जाती है जब वो अपने पति जोसेफ के साथ में इंटीमेट हो रही थी। फिर ग्रेस कैंडल बुझाने के लिए उठती है और जब वो वापस आकर बेड पर लेटती है तो देखती है कि उसके बेड पर जोसेफ की लाश पड़ी थी, जिससे कि ग्रेस बुरी तरीके से डर जाती है और ज़ोर से चीखने लगती है। लेकिन हमें पता चलता है कि यह सिर्फ ग्रेस का एक बुरा सपना था। चीख की आवाज़ सुनकर एबी भी रोने लगी थी और फिर ग्रेस उसे चुप कराती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रेस एबी को लेकर शहर जाने के लिए निकलती है ताकि कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए। तो उसे रास्ते में उसकी फ्रेंड केट अपने हस्बैंड मॉर्टन के साथ मिलती है। केट के कहने पर ग्रेस उसे सारी बातें बताती है लेकिन केट इस महामारी के चलते उसे शहर जाने से मना करती है। लेकिन ग्रेस के न मना करने पर केट उसे एबी को अपने पास में रखने के लिए कहती है ताकि एबी उसके पास में सेफ रहे। ग्रेस अपनी बच्ची को केट को सौंपकर शहर के लिए रवाना हो जाती है और शहर में जाकर उसी बार में जाती है क्योंकि उस बार का ओनर जोसेफ का फ्रेंड भी था। और वहाँ पर जाकर ग्रेस उसे पैसों की मदद मांगती है लेकिन बार का ओनर उसे पैसे नहीं देता है और उसे एक होश उड़ा देने वाली बातें कहता है। वो कहता है कि वो स्क्वेयर था जिसने उस इन्फेक्टेड आदमी के ड्रिंक का ग्लास जोसेफ के ग्लास से चेंज किया। और इसे सुनकर ग्रेस शॉक्ड हो जाती है और वापस अपने घर चली आती है। फिर रात के समय ग्रेस बहुत परेशान थी क्योंकि कल स्क्वेयर रेंट लेने आने वाला था लेकिन अभी तक ग्रेस के पास में पैसे भी इकट्ठा नहीं हुए थे। तभी उसे जोसेफ की आत्मा दिखाई देती है जिसे देखकर ग्रेस घबरा जाती है। जोसेफ उसे कहता है कि वो उसकी वेडिंग रिंग देकर रेंट को पे कर सकती है
लेकिन ग्रेस ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, पर उसके पास में कोई और रास्ता नहीं होने के कारण अब वो जोसेफ की कब्र खोदकर उसके हाथ से वेडिंग रिंग को निकाल लेती है। अब अगली सुबह जब स्क्वायर अपने असिस्टेंट एडविन के साथ में ग्रेस के घर पर रेंट लेने के लिए आता है, तो ग्रेस उसे जोसेफ की रिंग के साथ में खुद की रिंग भी दे देती है, जिससे कि अगले 6 महीने का भी रेंट पूरा हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि स्क्वायर की ग्रेस पर बुरी नज़र थी और वो ग्रेस के साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, और तभी ग्रेस स्क्वायर पर गर्म रोड से हमला कर देती है और एक गन से डराकर उसे वहाँ से भगा देती है। अब जाते जाते स्क्वायर ग्रेस को धमकी देकर जाता है कि जो उसने उसके साथ में किया उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। स्क्वायर के जाने के बाद में ग्रेस पुरानी बातें सोचने लगती है, जिसमें वो ग्रेस को उसकी माँ के बारे में बताती है कि उसकी माँ को लोगों ने विच घोषित कर दिया था और उन्हें ज़बरदस्ती ये मानने पर मजबूर कर दिया था कि वो एक विच है। लेकिन उनके न मानने पर ग्रेस को मारने की धमकी दी गई थी और इसी मजबूरी के कारण ग्रेस की माँ को ये मानना पड़ा कि वो एक विच है, और इसके बाद उसे जिंदा जला दिया गया। उसी दिन स्क्वायर सभी लोगों के पास में जाकर उन सबको ग्रेस के खिलाफ भड़काने लगता है और सभी को यकीन दिलाता है कि ग्रेस एक विच है जिसने खुद ही अपने पति को मारा है, और ये भी कहता है कि अगर जोसेफ बीमारी से मारा होता तो ग्रेस और उसकी बेटी कैसे इन्फेक्टेड नहीं हुई और वो कैसे बच गए। इतना ही नहीं, जब मैं उससे रेंट लेने के लिए उसके घर पर गया तो उसने मुझ पर भी हमला कर दिया। सभी लोग स्क्वायर की बातों में आकर ये कहने लगते हैं कि ग्रेस मोली की फ्रेंड है जो कि एक विच थी जिसे कल ही मार दिया गया, और स्क्वायर यही चाहता था। फिर वे लोग जाकर विच हंटर को जाकर सारी बातें बताते हैं। वे सभी मिलकर ग्रेस के घर की ओर जाते हैं और वहीं पर ग्रेस अपनी बच्ची को संभाल रही थी। तभी वे लोग ग्रेस के घर में घुस जाते हैं, जिनसे बचने के लिए ग्रेस एबी को लेकर घर में बने एटिक में छुप जाती है। तो वे सभी लोग मिलकर ग्रेस के घर में आग लगा देते हैं, लेकिन ग्रेस किसी तरीके से वहाँ से बचकर निकल जाती है और उनसे दूर भागने लगती है। फिर तभी मॉर्टन उसे पकड़ लेता है और स्क्वायर के पास में लाता है। स्क्वायर ग्रेस से एबी को भी ले लेता है, जिसके बाद में उसके हाथों को घोड़ा गाड़ी से बांध कर वहाँ से ले जाया जाता है और उसे शहर ले जाकर जेल में बंद कर देते हैं। अब हमें पता चलता है कि केट का पति मॉर्टन भी स्क्वायर के साथ में मिला था, और केट यह सब जानकर मॉर्टन पर बहुत गुस्सा करने लगती है और चिल्लाने लगती है कि उसने ग्रेस के साथ में ऐसा क्यों किया, ग्रेस कोई विच नहीं थी। तभी मॉर्टन उसे एक चांटा मारता है और कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो स्क्वायर मुझसे मेरा घर छीन लेता। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें जेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रेस की मुलाकात एस्टिड नाम की एक लड़की से होती है, जिसकी पूरी फैमिली ही प्लेग में ख़त्म हो चुकी थी और उसे एक दिन बहुत भूख भी लगी थी, तो उसने कुछ खाना चुराया था और इस वजह से उसे जेल में डाल दिया गया था। उसे तब तक पीटा गया जब तक कि उसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया। वो ग्रेस को भी वॉर्न करती है कि कल उसके साथ भी यही सब होगा और ग्रेस को भी टॉर्चर किया जाएगा और ज़बरदस्ती उसे उसका गुनाह कबूल करवाया जाएगा, और अगर उसने अपने गुनाह को मान लिया तो वे लोग उसे भी मोले की तरह फांसी पर चढ़ा देंगे। अब अगले दिन ग्रेस को चौराहे पर बांधकर बहुत पीटा जाता है, जिस वजह से उसकी बॉडी से खून आने लगता है, लेकिन ग्रेस बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारती है और उसकी उस दिन की सज़ा को वहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। जिसके बाद स्क्वायर ग्रेस के पास आकर कहता है कि अच्छा होता अगर वो उसकी बात मान लेती, और ये भी कहता है कि उसने उसे सज़ा देने के लिए यहाँ के सबसे फेमस विच हंटर मोरक्राफ्ट को बुलाया है, जो कि ग्रेस से उसका गुनाह मनवा कर ही रहेगा। मोरक्राफ्ट वही इंसान था जिसने सालों पहले ग्रेस की माँ को ये कहकर कन्फेस कराया था कि अगर वो खुद को विच नहीं मानेगी तो उसकी बेटी ग्रेस को भी मार दिया जाएगा, जिसके बाद में वो खुद को विच मान लेती है और उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। अब ग्रेस को फिर से जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पर उसे पानी देने एडविन आता है जो कि स्क्वायर का असिस्टेंट था। उसे ये चीज़ बहुत ही अच्छे से पता थी कि ग्रेस कोई विच नहीं है, और ग्रेस एडविन से उसकी बच्ची एबी की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कहता है, जिस पर एडविन सबसे छुपकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मोरक्राफ्ट अपनी असिस्टेंट ओर्सला के साथ में जेल आता है ताकि वो ग्रेस से विजिट कर सके। ओर्सला को पूरा फेस ही जला हुआ था और इस वजह से उसने अपने पूरे फेस को काले कपड़े से ढका हुआ था। मोरक्राफ्ट गार्ड को ऑर्डर देता है कि जब भी ग्रेस को नींद आएगी तो वे लोग उस पर ठंडा पानी डाल देंगे। अब रात में ग्रेस को जोसेफ दिखाई देता है जो कि एक डेविल में ट्रांसफॉर्म होने लगा था। फिर उसे उसकी माँ भी दिखाई देती है, और तभी एक गार्ड उस पर पानी डालकर उसे उठा देता है। इट मीन्स ये उसका एक सपना था। फिर दूसरे दिन मोरक्राफ्ट कुछ नंस को बुलाकर उनसे ग्रेस की बॉडी पर डेविल के मार्क को चेक करवाता है। अब एक नन ग्रेस के सारे कपड़े फाड़कर ग्रेस की बॉडी को चेक करने लगती है, तभी उसे ग्रेस की नेक पर एक मार्क मिलता है जो कि नॉर्मल सी एक चोट थी, और इसे ये लोग डेविल मार्क का नाम दे देते हैं। मोरक्राफ्ट ये देख कर ग्रेस से कहता है कि अब वो उसे कन्फेस करवाएगा कि वो एक विच है। फिर इसके बाद में उसे बिना कपड़ों के ही जेल में डाल दिया जाता है और कुछ कपड़े दिए जाते हैं पहनने के लिए।
एडविन वहाँ पर उसे खाना देने के लिए आता है और उसे कहता है कि वो गिव अप नहीं करें और वहाँ से चला जाता है। रात होने पर फिर से ग्रेस को वही सब याद आने लगता है जब ग्रेस और जोसेफ इंटीमेट हो रहे थे। तभी उसे जोसेफ भी दिखाई देता है और ग्रेस जोसेफ के पास जाती है और वो दोनों किस करने लगते हैं और अचानक से जोसेफ फिर से डेविल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने नाखूनों से ग्रेस का गला काट देता है। हम देखते हैं कि ये भी ग्रेस का एक सपना ही था और तभी गार्ड आकर ग्रेस के ऊपर ठंडा पानी डाल देता है और ग्रेस की नींद खुल जाती है। उसी रात को एडविन फिर से ग्रेस के पास में आता है और उसे एबी के बारे में बताता है और वो कहता है कि स्क्वायर ने एबी को पास वाले टावर में अपने साथ में रखा हुआ है और उसे संभालने के लिए एक नर्स भी है, जिस पर ग्रेस कहती है कि जब तक एबी स्क्वायर के साथ में है वो सेफ नहीं है। और तब एडविन वहाँ से चला जाता है। ऐसे करते करते 3 दिन हो जाते हैं और ग्रेस को एक लकड़ी की मशीन पर बांधकर उसके मुंह पर एक अजीब सा मास्क पहनाया जाता है और ओर्सला को उसे टॉर्चर करने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर ओर्सला ग्रेस की बॉडी में एक एक करके कई सारे कीलों को उसके हाथ और पैर में घुसाने लगते हैं, जिससे कि ग्रेस को बहुत दर्द होता है। लेकिन फिर भी ग्रेस हार नहीं मानती है और अगेन ग्रेस को जेल में डाल दिया जाता है। इधर ओर्सला मुरक्रोट से कहती है कि इतनी सजा देने के बाद भी ग्रेस में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है और शायद वो विच नहीं है, कि अगर वो सच में एक विच होती तो इतने टॉर्चर के बाद ये मान लेती कि वो विच है। अब उन दोनों की बातों से हमें ओर्सला की पास्ट लाइफ के बारे में कुछ बातें पता चलती है कि मुरक्रोट ने कभी उस पर भी विच होने का आरोप लगाया था और उसके कन्फेस कर लेने पर उसे भी जिंदा चला गया, लेकिन सही समय पर बारिश हो जाने की वजह से आग बुझ गई और ओर्सला जिंदा बच गई। मुरक्रोट को लगा था कि भगवान ने किया है और शायद भगवान ने उसे माफ़ कर दिया होगा और अब उसका प्यूरिफिकेशन भी हो गया होगा, तो इसलिए वो जिंदा बच गई। मुरक्रोट ये भी कहता है कि अगर ग्रेस भी विच नहीं होगी तो भगवान उसकी भी मदद करेंगे। इधर जेल में ग्रेस को फिर से हेलुसिनेशन होने लगते हैं, जिसके बाद में ओर्सला ग्रेस के पास जाती है और वो उसे अपना गुनाह मान लेने के लिए कहती है और कहती है कि अगर वो विच नहीं हुई तो भगवान उसे भी मेरी तरह मरने नहीं देंगे, वे उसे बचा लेंगे। लेकिन ग्रेस उसकी बात नहीं मानकर ओर्सला को वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर अब चौथे दिन फिर से ग्रेस को मुरक्रोट के पास ले जाया जाता है और उसी जगह पर बांध दिया जाता है। मुरक्रोट उसे कहता है कि अपना गुनाह मान लो वरना यह सज़ा तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी साबित होगी, लेकिन ग्रेस उसकी बात नहीं मानती है और मुरक्रोट उसे सज़ा देने के लिए ओर्सला को लोहे से बना हुआ एक डिवाइस देता है, जिसे वो ग्रेस के प्राइवेट पार्ट में डालकर उसे खोलने के लिए कहता है। ओर्सला वैसे ही करती है, जिससे कि ग्रेस के प्राइवेट पार्ट में घाव हो जाता है और वहाँ से खून भी टपकने लगता है और बुरी तरीके से तड़पने भी लगती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती है। अब ये सब मुरक्रोट को भी शॉकिंग लगता है, लेकिन फिर भी वो एक नया खेल खेलता है और कहता है कि ऐसा टॉर्चर कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं झेल सकता और पक्का वो विच होगी और इसी वजह से इसकी विल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि ग्रेस इसे भी झेल लेगी। ये सब कहने के बाद में ग्रेस के कन्फेशन के बिना ही अब कल सुबह ग्रेस को ज़िंदा जला दिया जाएगा, उसके साथ साथ उसकी बच्ची को भी ज़िंदा जला दिया जाएगा। ये सुनकर ग्रेस घबरा जाती है और रोने लगती है। अब वो मुरक्रोट से उसकी बच्ची एबी को ज़िंदा छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुनता है। दूसरी तरफ कैट उसके पति मॉर्टन के साथ में घोड़ा गाड़ी से कहीं पर जा रही थी। तभी कैट मॉर्टन को भला बुरा कहने लगती है और ये भी कहती है कि मैं टॉन के सभी लोगों को बता दूंगी कि ग्रेस कोई विच नहीं है, जिस पर मॉर्टन गुस्सा होकर कैट को स्लैप करके नीचे फेंक देता है और खुद भी नीचे आकर उसे मारने पीटने लगता है। कैट अपने बचाव में मॉर्टन को धक्का दे देती है और एक पत्थर उठाकर वो घोड़े को मारती है, जिससे कि घोड़ा गाड़ी उसके सर पे से होकर निकलती है और मॉर्टन की तुरंत वहीं पर मौत हो जाती है। सीन कट होता है और अब यहाँ जेल में एडविन ग्रेस को खाना देने के लिए जाता है और ग्रेस उसे कहती है कि अगर मैं यहाँ पर रही तो कल मुझे मार दिया जाएगा और उससे पहले मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ, जिसमें वो एडविन को उसकी हेल्प करने के लिए कहती है और एडविन को अपना सारा प्लान समझा देती है। बाद में एडविन वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर ग्रेस एक गार्ड को अपने पास में बुलाती है और उसे कहती है कि उसे मुरक्रोट के पास लेकर जाया जाए क्योंकि उसे अपना गुनाह कबूल करना है। वो गार्ड ये न्यूज़ जाकर मुरक्रोट को बता देता है और वो तुरंत ही ग्रेस को अपने पास में लाने के लिए कहता है। इधर एडविन जेल में एक इन्फेक्टेड आदमी के हाथ को काटकर एक बोतल में उसके खून को निकाल लेता है जो कि अब मर चुका था और इस खून को लेकर शराब में मिक्स कर देता है और उसे लेकर मुरक्रोट को सर्व करता है। फिर ग्रेस कुछ बहाने से ओर्सला को रूम के बाहर भिजवा देती है और अब ग्रेस मुरक्रोट को अपनी बातों में फंसाने लगती है। मुरक्रोट उस शराब को ग्रेस को ऑफर करता है जो कि मजबूरन ग्रेस को पीना पड़ती है और उसके बाद में ग्रेस डिस्पेट होकर मुरक्रोट के दोनों हाथों में कील घुसा देती है, जिस वजह से मुरक्रोट हिल भी नहीं पाता है। दूसरी तरफ स्क्वायर अपने रूम में शराब पी के सो जाता है। तभी उसके रूम में एडविन आता है
और एबी को ले जाना लगता है, लेकिन अचानक से एबी रोने लगती है जिससे कि स्क्वेयर की नींद खुल जाती है और एडविन उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। यहाँ पर उर्सुला ग्रेस को ये सब करते हुए देख लेती है और अचानक से ग्रेस पर अटैक कर देती है, जिसके बचाव में ग्रेस उर्सुला के सर पर टेबल पर रखा हुआ एक लैंप मार देती है और उस केरोसिन से उर्सुला के कपड़ों में आग लग जाती है। लैंप का केरोसिन उर्सुला के कपड़ों पर गिरता है और उससे उसके कपड़ों में आग लग जाती है और वो जलने लगती है। फिर धीरे धीरे करके रूम में आग फैलने लगती है और तभी वहाँ पर एडविन एबी के साथ में आ जाता है और ग्रेस को वहाँ से चलने के लिए कहता है। अब बाद में वे दोनों वहाँ से भागकर जेल के गेट तक आ जाते हैं और तभी ग्रेस एडविन और एबी को वहाँ से बाहर निकालकर गेट को लॉक कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने भी वो शराब पी ली है और वो भी अब इन्फेक्टेड हो गई है। तभी एडविन उसे कहता है कि वो खून वाले शराब को स्क्वेयर ने मुझसे एक्सचेंज कर ली थी। और ये सब सुनकर ग्रेस गेट को खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो गेट को नहीं खोल पाती है और तब वहाँ पर गार्ड भी आने लगते हैं। तो इसीलिए ग्रेस एडविन को एबी को लेकर वहाँ से गेट के पास ले जाने के लिए कहती है और खुद एस्टेट को बचाने के लिए जेल में वापस चली जाती है। वो एस्टेट के साथ साथ बाकी सभी प्रिजनर्स को भी वहाँ से आज़ाद कर देती है और तभी स्क्वेयर को होश आता है और वहाँ पर आकर एस्टेट को शूट कर देता है। लेकिन तभी ग्रेस एक लकड़ी के टुकड़े को स्क्वेयर के पेट में घुसा देती है और तलवार से उसका गला काट देती है। फिर ग्रेस को एक कुआं दिखाई देता है जिसमें कूद जाती है। तब तक एडविन भी केट के पास में पहुंच जाता है और उसे सारी बातें बताता है और सब कुछ जानकर केट एबी को अपना लेती है। उन दोनों को अब ये उम्मीद नहीं थी कि ग्रेस बच जाएगी, तो वे दोनों घोड़ा गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर मूवी के एंड में हम देखते हैं कि ग्रेस भी कुएं के रास्ते वहाँ से बाहर निकल आती है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये था द रिकॉर्डिंग मूवी का एक्सप्लेनेशन। बेसिकली इस मूवी में देखा जाए तो हमें पता चलेगा ग्रेस की माँ को मूरक्रॉफ्ट ने विच बताकर जबरदस्ती उसे जिंदा जलवा दिया था और ठीक ग्रेस के साथ में भी स्क्वेयर और मूरक्रॉफ्ट ऐसा ही करने वाले थे। लेकिन ग्रेस अपनी बच्ची और बाकी लड़की को बचाने के लिए गिव अप नहीं करती है और सबसे फाइट बैक करती है और इन द एंड वो अपनी बच्ची को बचाने में कामयाब होती है। मूवी की शुरुआत में हमने ये भी देखा कि ग्रेस अपने पति को खो देती है क्योंकि उसके पति को गलती से प्लेग की बीमारी हो जाती है और वो अपने फैमिली को बचाने के लिए खुद आत्महत्या कर लेता है। इसी बात का फायदा उठाकर स्क्वेयर सेबी को झूठ बोल देता है कि ग्रेस भी एक विच है। ये मूवी 16th century पर बेस्ड है और उस समय इंग्लैंड में बहुत ही ज़्यादा विचक्राफ्ट हुआ करता था और वहाँ पर बहुत सी औरतों को विच होने के शक में जबरदस्ती मार दिया जाता था। तो दोस्तों, देखा जाए तो ये मूवी रियल स्टेंट से इंस्पायर्ड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो जल्दी लेकर आने वाला हूँ।